हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो यूपी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर हुआ है, तो फ्रेंड्स इसके जो है प्रथम पेपर जिसका नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित का पठन लेखन क्षमता का विकास। तो फ्रेंड्स आज का ये जो पेपर हुआ है इसका हम जो है एक एक क्वेश्चन का सलूशन कराएंगे। तो फ्रेंड्स बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर फ्रेंड्स आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आया था छात्र अज्ञा व्यंजन है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो है चार ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से आपको राइट आंसर बताना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा संयुक्त व्यंजन। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड आया था कि अनुनासिक चिन्ह है, उसके बाद चार ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से इसका राइट आंसर बताना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया था आप लोगों से कि गणित में मूल संक्रियाएं हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चार। देखिए फ्रेंड्स, गणित में जो है कुल चार संक्रियाएं हैं, जिसमें से एक भाग है, एक गुणा है, एक जोड़ है, एक घटाना। तो फ्रेंड्स गुणा जोड़ भाग घटाना, ये फ्रेंड्स भाग गुणा जोड़ घटाना, यही आपके गणित में चार मूल संक्रियाएं हैं। तो फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर आया था कि समान वितरण करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स फिर क्वेश्चन नंबर फाइव आया था, इसमें से पूछा गया था कि सही कथन कौन सा है, उसके बाद चार ऑप्शन इसमें दिए गए थे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा, जो कि है फ्रेंड्स विषम संख्याएं दो से भाज्य नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यही इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा गया था कि 445 में चार के स्थानीय मानों का अंतर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को प्लेस वैल्यू निकालना आता होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा 360। फिर आइए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन आपसे पूछा गया था सही सुमेल है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो का वर्ग जो है इसे कंठ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर एट आया था कि भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके ऑप्शन दिए गए थे दृष्टि दोष, श्रवण दोष, उच्चारण दोष, और ऑप्शन डी था उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। फिर आइए क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन है कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स देखिए, ओष्ठाकृति के आधार पर जो है स्वर की दो भेद होते हैं, एक वृत्ताकार एक आवृत्ताकार। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टेन पूछा गया था कि निम्न में से चित्रलिपि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा चीनी लिपि। तो फ्रेंड्स देखिए, चीनी लिपि को जो है चित्रलिपि के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था 2, 3, 5 और 7 संख्याएं हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये भी आप लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स 2, 3, 5 और 7 जो है ये अभाज्य संख्याएं हैं। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका हिंदी से पूछा गया था कि महाप्राण वर। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका हिंदी से पूछा गया था, ये क्वेश्चन है महाप्राण वर्ड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा खा और घा जो है ये आपके महाप्राण वर्ग है। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि कविता छंद्रोमय रचना है, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा आचार्य वामन जो है ये कविता छंद्रोमय की रचना जो है इन्होंने किया था। तो फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये पूछा गया था कि एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा पी अपान क्यू। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा पी अपान क्यू। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था कि व्यंजन ता था दा और धा अवयव है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा दंत। तो दंत वर्ड जो है ये है ता था दा और धा। फिर फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था कि विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विराम चिन्ह का प्रयोग जो है ये ठहराव के लिए किया जाता है। तो विराम का मतलब ही होता है ठहराव। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि वर्ड किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्वनि को ही वर्ड कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था
कि गंगा की चार पर्यायवाची शब्द बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, गंगा की जो पर्यायवाची होती है ये होती है मंदाकिनी, भागीरथी, देवप्रयाग, सुरसरिता, सुरसरी। तो फ्रेंड्स कोई भी आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो है केवल चार पूछा गया था। तो आप आई होप आप लोग इसका आंसर सही दिए होंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा मंदाकिनी, भागीरथी, देवप्रयाग और सुरसरिता। फिर क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था कि तुकांत शब्द क्या है। तो इसका आपको डिफिनेशन बता दें। देखिए, तुकांत शब्द ये शब्द होते हैं जिसके अंतिम भाग में पाए जाने वाले वर्णों में समानता होती है। तो बस आपको यही लिखना था कि तुकांत ये शब्द होते हैं जिसके अंतिम भाग में पाए जाने वाले वर्णों में समानता होती है। जैसे कि, तो देखिए फ्रेंड्स इसके एग्जांपल है जैसे कि आना जाना, खाना पीना। तो देखिए लास्ट में इनके ना आ रहा है। तो तुकांत शब्द का मतलब यही होता है कि जिनके अंतिम भाग में पाए जाने वाले वर्णों में समानता होती है। फिर फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था कि आरोही क्रम व अवरोही क्रम में अंतर क्या है। तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में और अवरोही का मतलब होता है कि घटते क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स लॉक। तो लॉक ने जो है ये कथन दिया था। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 आया था कि गुणक किसे कहते हैं। गुणक का डिफिनेशन आपको बता दें कि गुणक जो है वह अंक है जिसको किसी अंक से गुणा किया जाए, उसे ही गुणक कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अगर आपको इसका एग्जांपल समझना है तो आप जैसे कि 50 × 2 कीजिए, 50 × 2। तो फ्रेंड्स देखिए 50 में जो है हम जिस अंक से गुणा कर रहे हैं उसी को गुणा कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो गुणक है ये आपका 2 है। तो गुणक का डिफिनेशन होता है कि वह अंक जिसको किसी अंक से गुणा किया जाए उसे ही गुणक कहते हैं। फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 आया था कि स्थानीय मान से क्या तात्पर्य है। तो देखिए फ्रेंड्स स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू। तो देखिए फ्रेंड्स इसका डिफिनेशन होगा कि वह अंक जिस स्थान पर वह स्वयं है उसे ही उसका प्लेस वैल्यू कहते हैं। वह अंक जिस स्थान पर वह स्वयं है उसे ही उसका प्लेस वैल्यू कहते हैं। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था, द्विज शब्द किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मण को ही द्विज शब्द कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि लिपि किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका डिफिनेशन होता है कि लिखने की क्रिया को या भाषा की लिखावट को या आप कह सकते हैं कि लेखन प्रणाली को ही लिपि कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं कि लिखने की क्रिया को ही लिपि कहते हैं या भाषा की लिखावट को लिपि कहते हैं या लेखन प्रणाली को ही लिपि कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए हिंदी की जो लिपि है ये है देवनागरी। फिर क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था कि मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसका राइट आंसर होगा, जिसमें एक सरल वाक्य हो और एक उपवाक्य हो उसी को जो है मिश्रित वाक्य कहते हैं। या फ्रेंड्स आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक प्रधान वाक्य हो और एक आश्रित वाक्य हो उसे ही जो है मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका डिफिनेशन जो है आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था कि सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सह अभाज्य का डिफिनेशन आपको बता दें कि ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ ना हो उसे ही जो है सह अभाज्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। जैसे कि आप लोग एग्जांपल में दे सकते हैं 2 और 3। देखिए फ्रेंड्स 2 और 3 में जो है कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं 5 और 7। तो आप लोग कुछ भी दे सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स इसका ये डिफिनेशन आपको ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त किसी का भी उभयनिष्ठ ना हो उसी को जो है सह अभाज्य कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया था कि 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित करने पर कितनी पुस्तकें शेष बचेगी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स 6 से जो है आप लोग 40 में जब भाग देंगे तो इसका शेषफल आएगा 4। तो 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 आया था कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, पी अपान क्यू इक्वल इज नॉट इक्वल जीरो। तो पी अपान क्यू इज नॉट इक्वल जीरो को ही अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है
कि पी जो है ये आपका पूर्णांक होना चाहिए और क्यू इज नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। जैसे कि इसका एग्जांपल होगा पाई, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था कि काव्य का क्या अभिप्राय है। देखिए फ्रेंड्स, जो काव्य होता है ये किसी कहानी या मनोभाव को जब आप कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं उसी को जो है काव्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।